लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। 55 शिविर में आज की गई निशुल्क कोरोना जांच, खबर है गोड्डा जिला से। जिले के सभी 9 प्रखंडों और नगर परिषद क्षेत्र में अलग अलग चिन्हित स्थलों पर आज जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 जांच के लिए 55 शिविर आयोजित किए। यहां जानकारी उपायुक्त भोर सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। कोविड-19 जांच निशुल्क की गई। डीसी और सिविल सर्जन ने आम लोगों से जांच शिविर में आकर अपनी जांच कराने का अनुरोध किया। इस दौरान किसी को कोई परेशानी न हो तो वे जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्जवल कुमार सिन्हा से संपर्क कर अपनी परेशानी दूर करें। कोविड-19 स्पेशल टेस्ट ड्राइव के लिए अलग अलग शिविर लगाए गए। घरों में मना मुहर्रम, नहीं निकला ताजिया जुलूस, खबर है गोड्डा जिला से। जिले में रविवार को मुहर्रम पर्व मनाया गया। कोरोना महामारी ने मुहर्रम पर्व के उत्साह पर ग्रहण लगा दिया। इस बार किसी तरह का कोई ढोल ताशा या ताजिया निशान जुलूस नहीं निकला। जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पुलिस बलों के साथ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया। पूरे क्षेत्र में कहीं भी रविवार को मुहर्रम को लेकर निशान जुलूस नहीं निकला गया। जिला मुख्यालय के असनबनी, नहर चौक, गुलजार बाग, कारगिल चौक, हटिया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों में पुलिस की गश्ती सुबह से ही होती रही। पूरे जिले में मुहर्रम को लेकर कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जिले के सर्वाधिक संवेदनशील मेहरमा के सुरनी गांव में भी पुलिस की कड़ी निगाहबानी से शांति और सौहार्द के साथ लोगों ने मुहर्रम का त्योहार अपने घरों में ही मनाया। मुर्गा कारोबारी को लूटपाट की कोशिश में मारी गोली, खबर है दुमका जिला से। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित पताबाड़ी रोड में अपराधियों ने मुर्गी कारोबारी के चालक से पैसा लूटने के बाद गोली मार दी। गोलीबारी में घायल चालक बिहार के बांका जिला अंतर्गत बौंसी का रहने वाला है। मुर्गी गाड़ी के चालक को जांग में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने गोली निकाल दी है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। मरीजों को गंदा पानी पीते देख प्रबंधन पर बरसे विधायक, खबर है जामताड़ा से। सदर अस्पताल का औचक निरीक्षक विधायक इरफान अंसारी ने किया मौके पर। विधायक मरीजों को गंदा पानी पीते देखा भड़क गए और अस्पताल प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। सिविल सर्जन को काम में सुधार लाने का निर्देश दिया, साथ ही कहा कि स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी है, इसलिए स्वास्थ्य सेवा की जानकारी लेते रहते हैं। मरीजों की शिकायत पर उनकी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। मौके पर विधायक ने मरीजों का हाल चाल लिया और उसके बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर से वार्ता की। मौके पर विधायक ने घंटे भर रुक कर बड़ा RO इंस्टॉल करवाया। कहा कि अब मरीजों को शुद्ध पानी मिलेगा। पानी हमेशा शुद्ध पीना चाहिए, अगर पानी ही शुद्ध न होगा तो हर तरह की बीमारियां पनपती है। मौके पर कई चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। दुमका विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, खबर है दुमका जिला से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका विधानसभा सीट से इस्तीफा दिए जाने के बाद रिक्त हुए इस सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इस क्रम में रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष निवास मंडल की अध्यक्षता में पार्टी के दुमका शहर के सभी बूथों के संयोजक एवं स्व संयोजकों की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मारंडी, प्रदेश प्रभारी सत्येंद्र सिंह और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी
बिहारी वाजपेयी के तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। बैठक में दुमका विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में अवस्थित 45 बूथों के संयोजन एवं सहसंयोजन शामिल हुए। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में सभी तरह की त्रुटियों को दूर कर पूरे जोश खरोस और उत्साह के दुमका में पुनः पार्टी प्रत्याशियों को विजय दिलाने की संकल्प लिया। खबर है कोरोना महामारी से। 24 घंटे में कोरोना से 12 नई मौत, 1323 संक्रमित मरीज भी मिले। राज्य में कोरोना मरीजों और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को 12 संक्रमितों की मौत हो गई, 1323 नए संक्रमित भी मिले। दूसरे दिन भी सबसे अधिक 248 मरीज रांची में मिले। कोरोना से मरने वालों में जमशेदपुर के साथ रांची, दुमका, गढ़वा, पाकुड़ और चाईबासा के एक एक व्यक्ति हैं। रांची में 2 मौत हुई, जिसमें एक रिम्स में इलाजरत गढ़वा का 36 वर्षीय युवक भी है, उनकी आंत में छेद था। वहीं दूसरी मौत डकरा परियोजना में डंपर ऑपरेटर 50 वर्षीय CCL कर्मी की हुई, उसे रांची स्थित गांधीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य में 1182 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं, इनमें रांची के 370 लोग शामिल हैं। इधर कृषि मंत्री बादल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे कोरोना मुक्त हो गए हैं। 23 अगस्त से होम आइसोलेशन में थे। रविवार को बोकारो से 178, चतरा से 110, देवघर से 16, धनबाद से 31, दुमका से 157, पूर्वी सिंहभूम से 85, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 69, गोड्डा से 21, गुमला से 20, हजारीबाग से 37, जामताड़ा से 25, खूंटी से 11, कोडरमा से 26, लातेहार से 9, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 1, पलामू से 29, रामगढ़ से 124, साहेबगंज से 15, सरायकेला से 62, सिमडेगा से 12 और पश्चिम सिंहभूम से 17 मरीज मिले। 1 सितंबर से झारखंड में चलेगी 3000 बसें, देना होगा दोगुनी किराया। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच झारखंड में अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग अब अपने जिला से दूसरे जिला में जा सकेंगे। मंगलवार 1 सितंबर 2020 से राज्य में 3000 बसें सड़कों पर दौड़ने लगेगी। यात्रा करने में सहूलियत तो होगी, लेकिन लोगों को इसके लिए दोगुना किराया देना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन की 14 जिलों में हुई बैठक में 70% से 100% किराया बढ़ाने की मांग रखी गई है। सोमवार 31 अगस्त 2020 को परिवहन सचिव को एसोसिएशन की ओर से बस किराया सहित अन्य मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा जाएगा। लॉकडाउन में राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद झारखंड की सड़कों पर रविवार 30 अगस्त 2020 से ही इक्का दुक्का बसें सड़कों पर चलती दिखी। 1 सितंबर से करीब 3000 बसों का परिचालन विभिन्न मार्गों पर शुरू हो जाएगा। रविवार को झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन की अब तक 14 जिलों में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। खबर है पाकुड़ से, शौचालय निर्माण कार्य में लाए तेजी। पेयजल व स्वच्छता विभाग की ओर से रविवार को हाथकाठी पंचायत भवन में जल सहैया की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रखंड समन्वयक राजकुमार मंडल ने की। बैठक में शौचालय निर्माण के अलावा कोरोना को लेकर स्वयं जांच पर चर्चा की गई। आदिवासी सेंगल अभियान ने फूका विधायक का पुतला। आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पात पहाड़ी गांव में संथाली भाषा आलोचक लिपि का विरोध करने वाले शिकारीपाड़ा का विधायक नलिन सोरेन का पुतला फूका। अभियान के अध्यक्ष गानेल हेमरोम के नेतृत्व में पुतला फूका गया। आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन आलोचक लिपि के विरोधी हैं, वह आलोचक लिपि का विरोध करते रहे हैं। आदिवासी सेंगल अभियान इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पोषण वाटिका में सुधरेगी सेहत। झारखंड में सबसे बड़ी समस्या कुपोषण की है। एनीमिया के कारण भारी संख्या में माँ व बच्चे बीमार रहते हैं। सरकार ने खून की कमी से जंग लड़ रहे महिलाओं के लिए जिले में पोषण वाटिका विकास करने का निर्णय लिया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है। पोषण वाटिका को विकसित कर महिलाओं की सेहत को सुधार आ जाएगा, ताकि उसमें खून की कमी नहीं रहे। पोषण वाटिका को विकसित करने में तेजस्विनी क्लब के किशोरी व युवती की मदद ली जाएगी। पोषण वाटिका में लाल साग, हरा साग, टमाटर, नींबू एवं शकरकंद लगाए जाएंगे। इससे विकसित कर खून की कमी से जूझ रही महिलाओं को सेवन करने का तरीका बताया जाएगा। पीओ के खिलाफ बीमा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन।
LIC कर्मचारी संघ ने IPO के खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया है। रविवार को LIC कर्मचारी संघ के राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा से उनके आवास पर मुलाकात की। LIC का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग व सरकार की हिस्सेदारी कम करने से संबंधित सांसद को ज्ञापन भी सौंपा गया है। साहेबगंज से मिर्जा चौकी में छापेमारी, 4 पोकलैंड जब्त। साहेबगंज के सदर SDPO पंकज कुमार साव ने रविवार को मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के भुतहा मोजा में संचालित अवैध पत्थर कारखानों में छापेमारी की। इस दौरान 4 पोकलैंड जब्त किया गया है। देवघर से कल से खुल जाएंगे मॉल, रेस्टोरेंट, होटल व सैलून। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी है। सोमवार से राज्य के अंदर प्राइवेट बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेस्टोरेंट, सैलून, मॉल और होटलों में भी फिर से रौनक लौटेगी। राज्य सरकार की ओर से बसों, रेस्टोरेंट, होटल, सैलून, मॉल को खोलने से संबंधित गाइडलाइन जारी करने के बाद स्थानीय स्तर पर भी उत्साह का माहौल है। रविवार को सुबह से ही सैलून, होटल, रेस्टोरेंट की साफ सफाई का काम किया जाने लगा है। हालांकि रेस्टोरेंट में भी पहले भी भोजन की सप्लाई होम डिलीवरी के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब खोलने की इजाज़त मिलने के बाद ग्राहकों को बैठकर भोजन कराया जा सकेगा। इसके लिए सरकार की ओर से जारी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। यही बात सैलून पर भी लागू होगी। यहां भी आने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तो काम करने वाले कर्मी को भी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा। ग्राहकों के बैठने वाला स्थान को भी पूरी तरह से बैठने की पूर्ण सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।